नमस्कार, मैं इस समय देशी नहीं दुनिया के लोकप्रिय उपन्यासकार और फिल्म कहानीकार चेतन भगत जी के साथ हूं। हम अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। विश्व हिंदी सम्मेलन पूरी दुनिया में मनाया जाता है और उसी विषय में सर से हिंदी को लेकर एक बात करना है। तो सर, ये जो फिल्म लेखक हैं, फिल्म लेखकों को नाम और दाम फिल्मों से मिलता है, लेकिन जब बात आती है हिंदी फिल्मों से मिलता है, जब बात आती है स्क्रिप्ट की तो वो रोमन में अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, और वही बात जब फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी और आशुतोष राणा अगर अपनी स्क्रिप्ट मांगते हैं तो वो देवनागरी मांगते हैं, तो लेखक उनको देवनागरी में देते हैं। तो क्यों लेखक अपनी भारतीय जो भाषा प्रमुख भाषा है, जो बोली जाती है, समझी जाती है, देश की सबसे ज्यादा पब्लिक बोलती है, सुनी जाती है, बोली जाती है, समझी जाती है, तो लेखकों से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी देवनागरी में ही स्क्रिप्ट लिखें। इच्छा अच्छी है आपकी, आप बहुत हिंदी प्रेमी हैं, मैं भी हूँ, और लेकिन सर मैं यही कहूँगा कि जिंदगी में कई बार प्रैक्टिकल होना पड़ता है। इस बारे में मैं लिख भी चुका हूँ कि भाषा और लिपि दो अलग चीज़ें हैं। भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है। अब कारण क्या है इंग्लिश में लिखने का? एक तो जो स्क्रीन राइटिंग के सॉफ्टवेयर है सबसे पॉपुलर, स्क्रीन राइटर या फाइनल ड्राफ्ट और ये सब में इंग्लिश मच ईजियर है, तो आप इंग्लिश का स्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हो। जिस ठीक उसी तरीके से जैसे कई बार लोग व्हाट्सएप में क्या हाल है को KYH मतलब वो करते हैं लोग, तो हालांकि व्हाट्सएप वगैरह में आजकल ईजी हो गया है हिंदी में भी लिखना, लेकिन हम अक्सर मच मोर कन्वीनियंट की सेम कीबोर्ड चालू रखें और कर लेते हैं इंग्लिश के कीबोर्ड में। मुझे नहीं लगता इसमें इतनी कोई बुराई है, क्योंकि मुझे लगता है अगर भाषा बची रहे तो अच्छा है। मैं इस बारे में लिख भी चुका हूँ बहुत बड़ा आर्टिकल, रोमन इंग्लिश के बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भाषाएं हैं इंडिया की वो सारी अगर रोमनाइज्ड वे में भी लिखी जाए तो देश में ज्यादा लोगों को समझ आएगा। जैसे मैं हल्की फुल्की मराठी मतलब मैं जैसे मराठी समझ लेता हूँ लिखी हुई, क्योंकि वो उसकी देवनागरी टाइप की स्क्रिप्ट है, लेकिन मैं उड़िया बिल्कुल नहीं समझ सकता। लेकिन अगर वो सेम स्क्रिप्ट में हो जो हम चुन लें तो वो कई बार उसका आराम भी हो सकता है। तो लिपि से लगाव कम करके अगर हम रोमन इंग्लिश की तरफ जाएं तो इतना बुरा नहीं है। जैसे इंडोनेशिया मलेशिया में तो वही भाषा चलती है सर, वो अपनी भाषा बोलते हैं लेकिन लिखते रोमन इंग्लिश में। लेकिन ये फिर हिंदी का जो देवनागरी का प्रभाव कम नहीं होगा? आज जैसे आप तो पूरी दुनिया घूमते हैं, हर देश में भाषा से इतना प्यार होता है, लिपि से भी प्यार होता है, होता तो है। अगर देवनागरी लिपि है, अगर आप तो दोनों भाषा सबको मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी के प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है, देवनागरी के प्रति बनता है, क्योंकि आपका कॉलम आता है, फिल्में आती है हिंदी, आपका दैनिक भास्कर में कॉलम आता है, करोड़ों लोग पढ़ते हैं उसको। नहीं, कोशिश, मेरा कॉलम तो देवनागरी में ही आता है जो हिंदी का आता है, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है। मैं भी उस जनरेशन से जहाँ हम हिंदी काफी स्कूल में पढ़ते थे, लिखते थे, हमसे लिखवाई जाती थी, आजकल स्कूलों में इतना देवनागरी पे ध्यान नहीं है, तो मुझे जब लग रहा है या तो फिर हम वो करें, लेकिन मुझे लगता है एटलीस्ट भाषा बच जाए, यू नो, हम एक्सेप्ट कर लें, इतना जज ना करें। अगर कोई लड़का रोमन हिंदी में भी लिख के बात कर रहा है तो मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि चल हिंदी में तो कर रहा है, इंग्लिश में तो नहीं कर रहा, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ठीक है। पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि देवनागरी एक खूबसूरत लिपि है, और अगर वो चली गई तो कुछ भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाएगा। जैसे उर्दू भी है, उर्दू भी खूबसूरत लिपि है, एकदम ब्यूटीफुल लैंग्वेज, पर्शियन है, तो अगर ये सब चली गई तो वो हम इसलिए देखते हैं सर कि विदेशों में भाषा से इतना प्यार होता है लोगों के लिए कि जीने मरने की बात है, इतना लगाव है सर। विदेशों में लोगों को अपने आप से प्यार होता है, ये हमारा देश ऐसा है कि जहाँ पे कोई फ्रेंच एक्सेंट में बोलेगा या इटालियन एक्सेंट में बोलेगा या इंग्लैंड के एक्सेंट में बोलेगा तो हम बोलेंगे देखो कितना हाई क्लास आदमी है, और कोई देसी एक्सेंट में बोलेगा तो उसको नीची नजर से देखते हैं, तो ऐसा तो वो लोग नहीं करते ना। तो हम लोग, हमारे अंदर इतनी ग्लानी भरी है, पता नहीं क्यों, शायद हम पे इतने लोगों ने राज किया 600-700 साल, तो हमारा अपना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जापान में बहुत प्यार है अपनी भाषा, हर जगह पे, और कोई भी देश जो अपने अपनी संस्कृति से प्यार नहीं करता, अपने ट्रेडिशन से, अपनी भाषाओं से, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। हमारी सर विश्व हिंदी अकादमी एक संस्था है, हर साल हम हिंदी दिवस 14 सितंबर पे 3 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं, 2 इंदौर, उज्जैन, मुंबई में, और अब हम इस वर्ष से विश्व हिंदी दिवस भी मनाने जा रहे हैं 10 जनवरी को। हमारा आपसे निवेदन है, आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, 2 साल, कभी भी आप हमारे प्रोग्राम में हिंदी के प्रोग्राम में जरूर आए, अवश्य आऊंगा। और ये वीडियो जो आप अपने
पास अपने फोन में बना रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो मुझे भी दे दें ताकि 10 जनवरी को जब हिंदी दिवस हो तो मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में पोस्ट कर सकूं कि मेरे हिंदी दिवस पे क्या ख्याल है। धन्यवाद, थैंक यू किशन जी।